कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, आचार्य ज्योतिष, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर। देखिए, प्रायः सभी लोग महिलाएं जो स्वागन महिलाएं हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं। कोई विधि से भी करता है, कोई पुरोहितों को, पंडितों को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुला के भी पूजा कराते हैं। वैसे जो लोग ब्राह्मणों को, पुरोहितों को बुला के पूजा कराते हैं, वो तो सभी प्रकार से पूजा कर ही लेते हैं। जो नहीं कर पाते हैं या जो नहीं बुला पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल साधारण विधि है। जब भी हम पूजा करने बैठें तो पहले विशेष दिशा का ध्यान रखें। हमें सिद्धि प्राप्त होती है, वो होती है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठने से। हमारे आराध्य विशेषकर करवा चौथ में चतुर्थी व्रत गणेश जी को के निमित्त किया जाता है, जिसमें गौरी और गणेश दोनों को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। एक चौकी पे नीचे अष्टदल कमल बना के, चौक बना के, उसके ऊपर एक पट्टे को स्थापित करें, उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र स्थापित करें, बिछा के वहाँ गणेश गौरी को स्थापित करें, एक कलश रखें पूजन के निमित्त, और एक करवा। करवा प्रायः धातु में हो तो ज़्यादा बेहतर है, स्वर्ण का हो, चांदी का हो, नहीं हो तो मिट्टी का पात्र हो। दो करवे साथ में रखें, क्योंकि जोड़े से करवे की पूजा होती है। दो करवे, उसमें या तो जल भरें या कोई खाद्य वस्तु हो, शक्कर हो, कुछ मिष्ठान हो, भर के उसको कपड़े का से उसका एक मुंह बांध के उसमें पूजा करें। एक करवे में जल रखें, आप पूजा करेंगे, विधि विधान से पूजा होगी। गणेश गौरी की पहले पूजा होगी, इसके बाद में दीपक की पूजा करें। दीपक की पूजा के उपरांत कलश की पूजा करें। कलश की पूजा करने के बाद में करवा की पूजा करें। प्रायः करवा चौथ की कथा प्रचलित है, माताएं बहनें सभी करवा चौथ की जो बाजार से सामग्री लेके आते हैं उसके साथ में कथा दी जाती है। कथा करें, कथा के उपरांत भगवान गणेश जी की, गौरी जी की आरती करें। आरती के उपरांत फिर चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने का एक विधान है, हमारे हाथ उठे हुए होने चाहिए। चंद्रमा की मुक्त अर्घ करके भगवान चंद्र को अर्घ दें। अर्घ देने के उपरांत आरती करें, चंदन से, अक्षत से भगवान चंद्रमा की पूजा करें। पूजा के उपरांत फिर अपने पति की पूजा करें। जो करवे में आपने जल रखा है, उसी जल से पति के द्वारा अपना व्रत पूर्ण करें, परायण करें। परायण के उपरांत पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये विधि प्रायः प्रचलित में है और इस हिसाब से पूजा करनी